दोस्तों, आजकल फिल्में देखने का शौक तो सभी को होता है और आपको भी जरूर होगा। और अब तो लोगों द्वारा मारधाड़ यानी कि एक्शन मूवीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। और अब इन कमाल के एक्शन सीन को फिल्माने के लिए बॉलीवुड भी हॉलीवुड की तरह ही दमदार VFX का इस्तेमाल करने लगा है। दोस्तों, VFX की मदद से चीजें इतनी ज्यादा बदल जाती है कि आपका उन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा। और जब आप इन सीन को बिना VFX के शूट होते हुए देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसलिए आज हम आपको फिल्मों के कुछ ऐसे सीन दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ, इट्स ऑसम। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। दोस्तों, आज बॉलीवुड की हर एक्शन मूवी में हीरो की शानदार बॉडी दिखाई जाती है और उसमें एक्टर के सिक्स पैक एब्स भी होते हैं। और अगर किसी एक्टर या हीरो के सिक्स पैक एब्स ना हो तो उसे हीरो ही नहीं माना जाता है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड की फिल्मों में सिक्स पैक एब्स और बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत सलमान खान ने की थी और जिसके बाद से अब बॉलीवुड के हर एक हीरो के सिक्स पैक एब्स होते ही है। हालांकि अब सलमान खान की उम्र ढलती जा रही है और इसी वजह से शायद अब उनके पास सिक्स पैक एब्स भी नहीं है। हालांकि कुछ और एक्टर भी ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को इतने लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख पाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी फिल्मों में फिर भी उनके सिक्स पैक एब्स दिखाए जाते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है? तो ये पूरा कमाल दो चीजों का होता है, जिसमें पहला है VFX इफेक्ट और दूसरा है एक खास तरह का बॉडी सूट। आपको बता दूं कि VFX के जरिए किसी भी हीरो को सिक्स पैक एब्स दिए जा सकते हैं। हालांकि ये काम इस तरह के एक बॉडी सूट से भी किया जा सकता है। इस सूट को एक नॉर्मल टी शर्ट की तरह हीरो को पहना दिया जाता है और इसी तरह फिल्मों में अगर किसी को ज्यादा मोटा दिखाना हो तब भी इस तरह के सूट को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। आपने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी तो जरूर देखी होगी और इस मूवी में आपने ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें रियल मैच के कई सारे सीन दिखाए गए हैं और साथ ही जिनमें MS धोनी की जगह पर सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा दिखाया गया है। तो MS धोनी की जगह उस मैच में सुशांत सिंह राजपूत कैसे आए? तो ये काम भी VFX की मदद से ही किया गया था और एडिटिंग करके MS धोनी की जगह सुशांत सिंह राजपूत का फेस लगा दिया गया। इस मूवी में असली मैच की फुटेज दिखाई गई थी और उसमें भी MS धोनी की जगह पर सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा लगाया गया था। साथ ही दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसा भी सीन था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को काफी पतला और छोटा दिखाया गया था, तो इस सीन को करने के लिए किसी दूसरे पतले दुबले एक्टर की मदद ली गई थी और फिर उसके चेहरे को रिप्लेस कर सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा लगा दिया गया। दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी में भल्लाल देव को देखा होगा, वो उस मूवी में एक बड़े सांड से लड़ते हैं। तो आखिर उस फिल्म में ऐसा कैसे किया गया? तो आपको बता दूं कि इस सीन में VFX का ही पूरा कमाल है। यहाँ VFX की मदद से एक आर्टिफिशियल सांड को क्रिएट किया गया था और साथ ही इसका जो बैकग्राउंड था वो भी ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया था। और इस सीन को सही से पूरा करने के लिए भल्लाल देव को सांड का नकली सिर भी दिया गया था, जिससे कि फिल्म में ऐसा लगे कि भल्लाल देव असली सांड से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि बाहुबली फिल्म में सबसे ज्यादा VFX का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही दोस्तों, आपको बैंग बैंग मूवी का वो सीन तो याद होगा जिसमें ऋतिक रोशन आग के सामने से बेहद स्टाइल में वॉक करते हुए नजर आते हैं। अगर किसी के पीछे इतनी खतरनाक आग लगी हो तो वो इतने स्टाइल से चलते हुए नजर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह की आग की गर्मी इतनी भयानक होती है कि वो किसी को भी राख कर दे और आग ये नहीं देखती है कि सामने कौन है। दोस्तों, दरअसल इस सीन में ऋतिक रोशन सिर्फ हरे पर्दे के सामने ही वॉक करते हैं और असल में तो कोई आग लगी ही नहीं होती है। और यहाँ पर भी ये सारा खेल VFX का ही होता है। ऐसे दोस्तों, आजकल फिल्मों में किसिंग सीन भी दिखाए जाते हैं और इनमें कुछ सीन तो एकदम असली होते हैं, लेकिन जब एक्टर या एक्ट्रेस किसी वजह से एक दूसरे को किस करने से मना कर देते हैं तो VFX के जरिए ही कुछ इस तरह से फिल्मों में किसिंग सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक्टर या एक्ट्रेस किसी फल को या फिर कांच पर किस करते हैं और फिर बाकी का काम VFX कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों, अगर आपके पीछे इस तरह की आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तमाशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।